जसविंदर सिंह 7/14 उदों मैं 15 साल का सी। असीं अपने फार्म विच सी उत्थे रेडियो दे उत्ते सुणिया भई 84 विच साडे हरिमंदर साहिब ते अटैक हो गया। बड़ा मन नूं दुख होया सुण के कि जिहड़ा साडा गुरद्वारा साडा असली स्थान आ उत्ते बंब ने अटैक किया। जो देखने मिलया वह बिल्कुल नहीं सी होना चाहिए। मैं तकरीबन कोई 35 दिन बाद गया सीगा। मैं दर्शन करन गया सी पर देख के मन इन्ना दुख होया सी कि यह साडा गुरसिखी का अस्थान जिथों साडा शुरुआत होंदी है गुरसिखी की इहदा साडे होण दा भी की फायदा जेकर असीं कुछ कर ही नहीं सकते। दरबार साहब सारा टैंकां तोपां दीआं गोलियां दे नाल निन्निआ पिआ सी। अकाल तख्त साहब निन्निआ पिआ सी। जाने कोई गल बयान करन वाली है ही नहीं। इन्ना मंदा हाल सी उस टाइम दे उत्ते। मैं अपने पिंड ही सी जदों सुणने नूं मिलिआ भई इस इस तरह होई। उस समय दे उत्ते इस तरह लगा भी जिवें मन दे उत्तों बोझ लै गया हुंदा लै भई जो करन वालिआं ने कीता सी ओह भाजी वापस हो गए। उस तो बाद इंदिरा गांधी तो बाद जो भी होया वह बिल्कुल मनुखता दे बहुत अगेंस्ट होया। क्योंकि रीज़न की आ पंजाब इंडिया सारे का यही हाल आ जिन्नी बहुत गिणती की कम्यूनिटी आ ओह छोटी गिणती की कम्यूनिटी को खत्म करते तुलियो सी। उस समय के बच्चे भी उदो ये नहीं देखा गया कि यह गुरसिख बंदा यदा किरदार की आ। वो सिर्फ तो सिर्फ एक गल मुख रख के खत्म कर दिता गया कि यह गुरसिख है तो इन्हों मार दिया जा मार दिता जाए। गलों से टायर पा के साड़िया गया मनुखता को। यह कि धर्म के लिखा आ कि मनुखता इस तरह साड़ो। 84 विच परिवारक तो कोई नहीं महाराज की कृपा रही आ पर 88 दे विच असीं फार्म हाउस ते रहिंदे सी। तकरीबन रात नूं 15-20 मुंडे इकट्ठे हो के आ गए। आ के डिमांड कीती भाई फिर तुहाडे कोल पिस्तौल आ पिस्तौल दिओ। गन दसी गई गन दे दित्ती। जब पिस्तौल की वारी आई तो मेरे फादर साहब नूं बाहां खड़ियां कीतियां मार दिया के धमकियां दिंदे सी। उस तो बाद विच अखीर नूं गल इत्थे आ के निबड़ी भई महाराज दा सरूप अंदर आ। जेकर तुसीं महाराज दे सरूप ते भरोसा रखदे आ तो भाई फिर तुसीं मेरे कोल जे पिस्टल होगा मैं उत्थे रख दूंगा तो तुसीं जे महाराज सारे संसार नूं करदार बख्शदे आ तो की कोई तुहानूं इक पिस्टल ना देणगे। उस तो बाद 92 विच सिंघां नाल बहना उठना होया। कन्न में नवंबर की गल आ कुछ सिंघां ने समान रख्या सी। उस समय के उत्ते पुलिस नूं पता लग गया कि वह समान इत्थे पिया। वो खैर मैनू मेरे फादर साहब ने लै गया सी। ले जाण तो बाद खैर साडे नाल भी उही होया जो दुनिया नाल हुंदा आ उत्थे। सो इन्नी महाराज की कृपा समय समय नाल जो भी चेते करीदा सी सतगुर पहुँचते सी उत्थे। पुलिस धक्का कर रही सी। उस वेले अनुशासन तो कोई रह नहीं सी गया ना। उस अनुशासन तो कोई तुसी आस ही रख सकते सी कि यह कोई अनुशासन की गल करनगे जां तकड़ी नूं तोड़ के उहदे विचों सच की आ तां झूठ की आ कढ के पद्धरे रखणगे। उस वेले तां इह सी कि पिछों कमांड दा की हुक्म आ उहदे मुताबक सिंघां नूं चक के बस जिन्हां भी जल्द तों जल्दी खत्म कर सकदे आ उन्ने खत्म कर दिओ। जो आपां पिछे हिस्ट्रियां सुणदे आ रहे सी बहुत समयां तों पहलां कि मुसलमानां दी सरकार इदां करदी रही आ उहनां ने इस तरह कीता उहनां ने सिंघां नाल वादा कीता। उस समय ते जो पंजाब विच होया उहदे विच कोई
ਤੁਸੀਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਉਹੀ ਸੀ, ਥਿੰਕਿੰਗ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਕੱਟੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ। ਖੈਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਜਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਮਾੜੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਸੇ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਆਂਸਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਐਡਅਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਮਿਕਸਅਪ ਇੰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਂਸਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹ ਔਖਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਅਣਖਣਾ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਗੈਰ ਅਣਖ ਤੋਂ ਜੀਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੌਤ ਚੰਗੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਸਿੱਖ ਧਾਰਨੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਈਏ ਔਰ ਗਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜੋੜੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਰੂਲ ਆ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਦਾ, ਮੇਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀਓ ਅਤੇ ਜੀਣ ਦਿਓ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ।